ये देख सकते हैं दोस्तों कि हम सिर में खड़े हैं और श्री गुरु रविदास महाराज जी का जो कि 646वां जयंती समारोह है और ये कि द्वार बनाया गया है। और आइए आपको ले चलते हैं, दिखाते हैं ये रास्ता जो कि चला जाता है रविदास मंदिर की तरफ। आगे जाके लेफ्ट घूम जाएगा और सीधे जाएंगे तो NH90 हाईवे पर चला जाएगा और इसी के अपोजिट साइड आपको दिखा दे तो ये चला जाएगा चित्तूपुर भगवानपुर होते हुए ट्रामा सेंटर के लिए। आइए आपको ले चलते हैं, दिखाते हैं। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में दिखाया है, ये देख सकते हैं सिर गेट है जो कि यहीं से जस्ट आगे जाने के बाद ये मेन बोर्ड के पास लेफ्ट जाना है रविदास मंदिर के लिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये रास्ता जो कि रविदास मंदिर की तरफ जाता है और जो ग्रीन बोर्ड की मैं दिखा रहा था आपको, एक ग्रीन बोर्ड है देख सकते हैं, और जो कि यही रास्ता चला जाएगा। जैसा कि दोस्तों देख पा रहे हैं कि हम आपको श्री गुरु रविदास जन्म स्थान मंदिर सिर गोवर्धनपुर वाराणसी में लेकर आ चुके हैं और एक बार आपको ये देख सकते हैं कि अंदर सभी लोग दर्शन कर रहे हैं और एक बार मंदिर का आपको दिखा देते हैं किस तरह से सजाया गया है। बहुत ही अच्छी तरीके से सुंदर और भव्य तरीके से सजाया गया है, देख सकते हैं। आइए आपको अंदर ले चलते हैं, दर्शन करा देते हैं। और जो कि यहीं पे गेट के बगल में ही जूता चप्पल रखने का जगह है और इसी के सामने जो कि ऑफिस का कार्यालय है जो कि आपको पिछली वीडियो में दिखा चुके हैं, जूता घर है। और जैसा कि ये लोग हैं, ये लोग जूता चप्पल किसी का भी रख रहे हैं और निःशुल्क सेवा दे रहे हैं, देख सकते हैं कितने सारे लोग यहाँ पर आ चुके हैं। और ये सामने ही कार्यालय है और ये देख सकते हैं बगल में ही मंदिर है। आइए आपको ले चलते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में आपने दिखाया है, देख सकते हैं कि किस तरह से सभी लोग यहाँ पे द्वार पे खड़े हैं। ये देख सकते हैं श्री गुरु रविदास जी का प्रतिमा और हम भी दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं कि ये झूले वगैरह लगाए गए हैं रविदास जयंती के उपलक्ष में, जो कि कई सारे झूले हैं और बच्चों को जंपिंग वाला भी लगाया गया है और सारे लगाए भी जा रहे हैं। इधर देख सकते हैं कि वर्कर लोग हैं और यही मैदान है जहाँ की ये भवन है रविदास भवन, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे रविदास भवन है, इसी के सामने ये लगाया जा रहा है। अभी 5 फरवरी को है तो इसीलिए काफ़ी ज़ोरों से कार्य चल रहा है और जगह पंडाल तैयार भी कर दिया गया है। देख सकते हैं कि अपनी चेकिंग करवा कर आगे जाएं, यहाँ लिखा हुआ है और ये चेकिंग घर है और यही द्वार है। आगे चेकिंग करवाने के बाद आपको अंदर ले चलते दिखाते हैं। और दोस्तों ये देख सकते हैं कि हम आपको अंदर ले कर आ चुके हैं, जो कि पिछली वीडियो में दिखा रहे थे आपको कि बहुत सारे लोहे के जो कि राड वगैरह थे मोटे मोटे, वो सब से ये पंडाल बना दिया जा चुका है और ये कुछ पक्तियाँ बनाई गई हैं, देख सकते हैं बांध से बांध कर, क्योंकि भीड़ ज़्यादा होती है तो भीड़ को इसमें कंट्रोल करने के लिए बनाई जाती है। और यहाँ देख सकते हैं कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी है और कई सारे पक्ति बनाए गए हैं जिसमें कि लोगों को रहने के लिए और खाने सोने के लिए, ये देख सकते हैं काफ़ी बड़े बड़े हाल बनाए गए हैं। और ये देख सकते हैं दोस्तों जो कि लंगर खाते हुए जो कि प्रसाद के रूप में काफ़ी सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और देख सकते हैं काफ़ी बड़ा जो कि ये बनाया गया है और ये सरदार जी लोग हैं जो कि सभी लोगों को सेवा दे रहे हैं, निःशुल्क सेवा होती है, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। और इसी तरह के काफ़ी जगह बनाए गए हैं, इधर भी आपको दिखा देते हैं, देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग हैं। और आइए आपको अकेले चलते हैं और भी दिखा देते हैं पंडाल। दोस्तों जहाँ की हम दिखाए थे आपको कि बर्तन वगैरह और खाने पीने की सामग्री रखी हुई थी, देख सकते हैं यहाँ पर पूरा नल लगा दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे कुछ लोग गा रहे हैं जो कि पंजाबी लोग हैं और यहाँ बैठे हुए लोग हैं और यहाँ बर्तन भी साफ़ करने वाले लोग लगे हुए हैं, देख सकते हैं लोग बर्तन साफ़ कर रहे हैं।
देख सकते हैं किस तरह से इसे पूरा सजाया गया है और काफी भीड़ है। ये देख सकते हैं जो कि ज़्यादातर लोग आ चुके हैं क्योंकि 5 फरवरी को ही है। और ये देख सकते हैं जो कि पंजाब से लोग आ चुके हैं और काफ़ी सारे लोग आ गए हैं और यहाँ जो कि डॉक्टर सेवा और जो कि सेवा केंद्र कंट्रोल रूम सभी कुछ यहाँ पे खोले गए हैं जो कि किसी को दिक्कत परेशानी ना हो सके, कोई बीमार उमार होने पर। और ये इलाज भी है और देख सकते हैं कई सारे ऑफिस वगैरह यहाँ पे खोले गए हैं और यहाँ पे कुछ कार्य भी चल रहे हैं अभी। लकड़ी को काटा जा रहा है जो कि खाना जो बनाया जा रहा है वो लकड़ी पर ही बनाया जा रहा है। देख सकते हैं इस तरह से लकड़ी को काट कर इस तरह गांज दिया गया है और ये मशीन से काटा जा रहा है। और ये देख सकते हैं जो कि काफ़ी सारे पंडाल बनाए गए हैं, जैसा कि देख सकते हैं ये लोग सरदार जी लोग आए हुए हैं पंजाब से लोगों की सेवा के लिए। और यहाँ की जो कि कार्य हो रहा है ज़्यादातर ये लोग आपस में सहयोग देते हैं तभी कार्य होता है। और इधर देख सकते हैं कि ये काफ़ी सारे पंडाल बनाए गए हैं जिसमें कि कई लाख लोग आते हैं, इसकी वजह से ये पंडाल कम ना पड़े इसके लिए बनाए जाते हैं। और यहाँ कई सारे सेवा केंद्र हैं और मुफ्त में खाना खिलाया जाता है किसी को भी। और ये देख सकते हैं जो कि काफ़ी चहल पहल हो चुकी है और जो कि आज 31 जनवरी है, कल 1 फरवरी हो जाएगा और भी लोग आने शुरू कर देंगे। और दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। Thank you.